हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट में जो पब्लिश करते हैं उसकी इमेजेस की क्वालिटी क्यों इतनी अच्छी होती है, तो उसे कैसे बनाया जाता है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बढ़िया होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसकी जो मैं इसे थोड़ा सा मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट में, जैसे A4 साइज पे अगर ये इमेज को हमें डालना हो तो कैसे डालेंगे एक प्रेजेंटेशन में से, तो इसको पोर्ट्रेट साइज में हम डालते हैं इस तरीके से। जो मैंने स्टेप बताए हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसे साइड में से ही ट्रैक करना है आपको, ना ये बीच से नहीं, ये साइड से ही धीरे धीरे आपको ट्रैक करना है। तो इमेजेस क्या है इसमें, इमेज की क्वालिटी जो है खराब नहीं होती। तो ये एक एक आइडिया है जिससे कि आपके जो इमेज है इसकी क्वालिटी जो है फटती नहीं है, उससे पिक्सल खराब नहीं होते। तो ये एक तरीका है। तो इसमें जो मैं इमेज की क्वालिटी लिया है, मीन्स जो ग्राफ्स लिए हैं, ये मैंने ग्राफिट प्रिज्म से एक्सपोर्ट किए हैं, पर ये क्वालिटी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और पर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी ग्राफिट विजन में कैसे हाई रेजोल्यूशन इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैंने दिखाया हुआ है, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 300 वाली इमेजेस लिए हैं जो ग्राफिट विजन की, वो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं इसे जब पूरे उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में बता रहा हूँ जिससे आप अलाइन कर सकते हैं अपने पेपर इसको। इसके लिए क्या करना है, आपको होम में जाना है और अरेंजमेंट में जाके इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं जो सारी इमेजेस हैं। तो ये इमेजेस की छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं, आप इसे रिवर्स करके, रिवाइंड करके वीडियोस को देख सकते हैं बार बार। तो यहाँ क्या है कि इसे हॉरिजेंटली या वर्टिकली कैसे अलाइन कर सकते हैं इमेजेस को, वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिखा दिया है आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर जब आप सारी इमेज को एक साथ कॉपी करेंगे तो इन्हें आपको ग्रुप करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट ये दिखाना है आपको कि यहाँ पर जब आप सारी इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको क्या सेटिंग करनी है जो आपको कंप्यूटर की रजिस्ट्री में करनी पड़ेगी, जिससे आप जैसे आप उसे अगर वो सेटिंग आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो वो सेटिंग मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो इमेज आप सेंड करेंगे वो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा कि इसकी इसे एक्सपोर्ट जब करेंगे हम ग्रुप करके पूरी तरह से, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, जिसे मैंने इसे पेंट में ले जाके और इसे अब एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। पहले सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके मैंने इसे पेंट में पेस्ट कर दिया है, अब इसे मैं एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, इसे मैंने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर लिया। तो इसकी क्वालिटी अब हम देखेंगे, ये रही, अब इसकी क्वालिटी अब हम खोल के देखेंगे। तो इसकी क्वालिटी में जैसे ही आप इसे थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसके पिक्सल्स आपको फटते हुए दिखेंगे। ये देखें आप जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे पी पे, पी के जो बी लिखा हुआ है बी डेस, उस पर तो देखेंगे आप कि इसके पिक्सल्स जो है फट रहे हैं। आप यहाँ पर ग्राफिट प्रिज्म वाले जो इमेजेस हैं उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे इसे एक्सपोर्ट करेंगे जो हाई क्वालिटी हो। तो ये जो एक्सपोर्ट में जाएंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में जाके ये हमें चेंज फाइल टाइप करके ये वाला ऑप्शन में डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है हमें इस इमेज को एक नाम दे दिया मैंने एक्स्ट्रा, और टूल में जाके यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है और इसमें जो लास्ट एक पहले ऑप्शन है, इसको ओके कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर जस्ट दिस वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्ट करेंगे और इसे हम देखेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है जो पहले मैंने एक्सपोर्ट की थी उससे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छी है। अब इसे हम कंपेयर करके दोनों इमेजेस को अगर देखेंगे तो हम आपको पता चलेगा कि इसकी इमेज क्वालिटी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। अभी तो मैं ये एक फाइल को दिखा रहा हूँ, जब मैं इसे कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी
जो पहले एक्सपोर्ट की हुई थी, जो मैंने पैंट में जाके एक्सपोर्ट की थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, अब मैं दोनों को मिनिमाइज करके आपको बगल बगल में दिखाता हूँ कि इसको इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये हमारा जो सेकेंड टाइम में एक्सपोर्ट किया, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये जो है हमने पहले पेंट में जाके सिर्फ एक्सपोर्ट किया, मीन्स कॉपी करके पेस्ट कर दिया था और इसको पेंट से निकाला था। तो ये अगर इसकी कंपैरिजन देखेंगे तो इसका जो रिजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये जो हमारा पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, इसे हम जैसे मूव करते हैं, अगर इसका तो इसके जो पिक्सल्स हैं, जैसे आप बी पे कंसंट्रेट करेंगे तो ये पिक्सल्स जो है इमेजेस के बी डॉट पे, जब अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इसके जो पिक्सल्स हैं आपको दिखेंगे कि ये फट रहा है यहाँ पर जब अब हम इसे हम 50% तक ले गए हैं, 50% इस इमेज की जो जूमिंग कैपेसिटी है उसे हम 50% तक ले गए, तो इसमें इमेजेस फट रहे हैं। वहीं जब हम दूसरी इमेज जो हमारी हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट है, हाई रेजोल्यूशंस का जिसका मैं क्लेम कर रहा हूँ, उसे हम देखेंगे तो उसके पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं। आप जी इसके लिए क्या करना है आपको, कि एक आपको सेटिंग करना है आपके लैपटॉप में, जिसमें आपको रजिस्ट्री में थोड़ी सी एडिट करना है, और उसमें रजिस्ट्री जो एडिट करना है उससे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, और अदरवाइज ये आपके जो लैपटॉप की सेटिंग्स बहुत सारी खराब हो सकती हैं। तो उसे आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि मैंने इसकी इमेज जितनी भी जूम करते जाओ, इसकी पिक्सल्स आप फट नहीं रही हैं, इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज है ये। यहाँ पर देखिए आप 50% से ऊपर हो गया, फिर भी इसकी जो पिक्सल्स हैं फटी नहीं है। वहीं जब मैंने जो पहले एक्सपोर्ट किया था, इसकी जो है पिक्सल्स आप कितना भी ले जाइए, 100 ले जाइए, ये फटते जाएंगे, और इसकी पिक्सल्स जो है 50% जूम कर दिया है, फिर भी अब यहाँ तक फटे नहीं है। तो ये कंपैरिजन आप देखेंगे। इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में सेटिंग क्या का सेटिंग करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे कंप्यूटर के, वहां पर लिखेंगे REG एडिट, और वहां पर आपको एक ऐसे ही विंडो ओपन होगा, थोड़ी देर में होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, एच की करंट यूजर में आपको जाना है, वहां पर जाके आपको नेक्स्ट स्टेप माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस, जो ऑफिस वाला फोल्डर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर मैंने ऑफिस वाला फोल्डर जो है सर्च मार के यहाँ पर ढूंढ लिया है, एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी में जाके फिर ऑफिस वाले फोल्डर में जाना है आपको। ये ऑफिस वाले फोल्डर में जाके आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 16 है 14 है जो है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। फिर वहां पर पावर पॉइंट में जाके ऑप्शंस में जाना है, उसमें जाके एडिट ऑप्शन में न्यू करना है, वहां से फिर यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है आपको नई एक फाइल दिखेगी, इसमें आपको लिखना है एक्सपोर्ट बिट मैप रिजोल्यूशन विदाउट गैप, और फिर उसके बाद इसे ओके कर देना है और इसे सिलेक्ट करना है और एडिट करना है, एडिट में जाके मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखा है ना 1000, और ओके कर देना है। तो ये आपको फिर फाइल में जाके एग्जिट कर देना है। ये जैसे ही आप करेंगे तैसे ही इसके बाद आपको रिस्टार्ट करना है एक बार सिस्टम, और जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद आप अगर इमेज कोई भी है उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जो मैंने आपको सेकेंड प्रोसीजर दिखाया था, तो आपकी जो इमेज की रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो हाई रेजोल्यूशंस
इमेज अगर आपको मेनुस्क्रिप्ट में डालना है जो बहुत सारी इमेज को जोड़ के बन रहे हैं, तो आपको ये सेटिंग अपने सिस्टम में करनी होगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड्स। थैंक यू वेरी मच।